चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करता हूँ कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने 7 दिन के अंदर या फिर कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर बॉक्स ऑफिस में ट्रिमेंडस बिजनेस कर दिया और मतलब छपरा फाड़ दिया। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आती है दोस्तों फिल्म दंगल। दंगल फिल्म जब रिलीज होती है इंडियन बॉक्स ऑफिस में 2016 में दोस्तों, तो वो उथल पुथल मचा देती है। दंगल को क्रिटिक्स की तरफ से बेहद प्यार मिलता है। आमिर खान साहब के काम को लेकर सब लोग तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यार ये है परफेक्शनिस्ट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म। दंगल ने दोस्तों 7 दिन के अंदर 197.54 करोड़ कमाए थे और बाद में इवेंचुअली फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया दोस्तों। लेकिन 7 दिन के अंदर, प्लस इसे क्रिसमस का भी फायदा हुआ था क्योंकि क्रिसमस के आसपास फिल्म हुई थी रिलीज, 197.54 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस किया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों उसी साल 2016 में आई फिल्म सुल्तान के बारे में। सुल्तान दरअसल क्या है कि वेंसडे को रिलीज हुई थी इंडियन बॉक्स ऑफिस में, तो 9 दिन के अंदर अंदर फिल्म ने दोस्तों 229.16 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस किया 9 दिन के अंदर। प्लस ये बेसिकली वेंसडे को रिलीज हुई थी और ईद का मौका था, तो इस वजह से सुल्तान को ट्रिमेंडस ओपनिंग मिली बॉक्स ऑफिस में और साथ ही साथ 9 दिन के अंदर 229.16 करोड़ कमा लिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2017 की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन के लिए। हम सब यही सोचते रह गए थे कि यार आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो फाइनली उसका हमें आंसर मिलता है दोस्तों अप्रैल के महीने में। और फिल्म जो इंडियन बॉक्स ऑफिस में बिजनेस करती है वो करती है दोस्तों 247 करोड़ की। 7 दिन के अंदर 247 करोड़ कमा पाना दोस्तों हर किसी फिल्म की बस की बात नहीं होती। लेकिन बाहुबली द कंक्लूजन ने नॉन हॉलीडे होते हुए, मतलब कि नॉन हॉलीडे में 7 दिन के अंदर इतना ज्यादा ट्रिमेंडस बिजनेस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों 2017 की एक ऐसी फिल्म की जिसे हमें बेसब्री से इंतजार था, जो कि थी टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में दोस्तों 7 दिन के अंदर 206.04 यानी कि 206.04 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस किया। प्लस इसे क्रिसमस का भी फायदा हुआ था, इस वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में ट्रिमेंडस बिजनेस किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं दोस्तों संजू के बारे में। संजू ने बेसिकली दस्तक दी 29 जून को, कोई छुट्टियां नहीं थी, सब वर्किंग डेज था दोस्तों। और इसमें अपने आप में रिकॉर्ड बनाती है संजू फिल्म, 202.51 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस करती है फिल्म 7 दिन के अंदर, वो भी नॉन हॉलीडे सेशन में। सोचिए अगर संजू रिलीज होती हॉलीडे सेशन में तो क्या धमाल मचा देती, और आई गेस 220 तक तो पहुंची जाती, 220 या 225 तक तो पहुंची जाती संजू, क्योंकि संजू को सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, डायरेक्टर से लेकर एक्टिंग से लेकर हर एक चीज की प्रशंसा कर रहे हैं लोग कि वाह भाई क्या फिल्म बना दी है संजू। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाऊंगा मैं राहुल भोज आप लोगों के लिए। टेक केयर।